hello students question number second exercise 9.1 question is a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को सुन लिया अब क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ डायग्राम से ये ए बी एक ट्री दिया गया देखिए हमने यहाँ ट्री लिख भी दिया है ये ए बी पूरा एक ट्री था आधी से ये ट्री बीस से बेंट हो गया यहाँ से बीस से बेंट हो करके ऐसे ग्राउंड पे लटक गया अब लटक गया तो इसका जो टॉप था ट्री का वो डी पॉइंट पे टच करने लगा और वो जो बेंट वाला पोर्शन था वो ग्राउंड से थर्टी डिग्री का एंगल बना रहा है और ये जहाँ पे टच कर रहा है ट्री का टॉप वो पेड़ से उसकी डिस्टेंस जो है वो एट मीटर दी गई है ये वाली एट मीटर दी गई है एट मीटर है यहाँ लिख दिया एट मीटर तो चिल्ड्रेन आपसे पूछ रहा है कि ये जो ओरिजिनल पेट की हाइट कितनी थी ये पूरी हाइट आपको बतानी है आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे इसी तरीके से आप क्वेश्चन को समझ करके डायग्राम बनाया करेंगे फिर से देख लीजिए कि ये पूरा एक ट्री है ये पूरा एक ट्री है और ये ट्री बीस से यहाँ से बेंट हुआ आंधी से और ये इस तरह से लटक गया और थर्टी डिग्री का एंगल ग्राउंड से ये ग्राउंड है बना रहा है और जिसमें से ये यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एट मीटर दी गई है तो पूरे पेड़ की हाइट आपको निकालनी है तो चिल्ड्रेन चलिए इसमें देखिए हमने कुछ अज्यूम नहीं किया है हमने क्या किया इस ट्रेंगल को देखते रहिए इन ट्रेंगल बी सी डी इन ट्रेंगल बी इन ट्रेंगल बी सी डी देखिए चिल्ड्रेन आपको ये एट मीटर तो दिया गया है ये एट मीटर आपको दिया गया है लेकिन अब यहाँ पर पेड़ की हाइट ये होगी और जो बेंट वाला पोर्शन ये होगा अगर दोनों मिलेंगे तभी आप निकाल सकते हैं तो हमको बी सी और बी डी दोनों को फाइंड करना है तो हम चलिए क्रम से एक एक को फाइंड करते हैं क्रम से एक एक को फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम बी सी को फाइंड करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये थर्टी डिग्री का एंगल है सामने ये परपेंडिकुलर होगा और नीचे ये बेस है तो परपेंडिकुलर और अपान बेस में बेस हमको दिया गया है एट मीटर तो परपेंडिकुलर अपान बेस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो टेन थीटा होता है टेन थीटा इक्वल टू पी अपन बी थीटा की वैल्यू थर्टी डिग्री हमने लिख दिया और परपेंडिकुलर हमारा कुछ नहीं तो हमने बी सी ही रहने दिया और सी डी यहाँ पर लिख दिया बेस हमारा सी डी है आगे बढ़ता हूँ टेन थर्टी की वैल्यू होती वन बाई रोड थ्री तो यहाँ वन बाई रोड थ्री लिख दिया बी सी अपनी जगह पर है सी डी हमको एट मीटर दिया गया है तो यहाँ हमने सी डी लिख दिया अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल टू हमको मिलेगा एट बाय रूट थ्री एट बाय रूट थ्री तो इसको आप यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए या राउंड अप कर लीजिए इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी अब आगे चलते हैं तो बार डायग्राम आपको दिखाते हैं पहले देखिए डायग्राम में क्या है अब आपको बी सी तो मिल गया आपको देखिए बी तो आपको मिल गया अब आपको चाहिए बी ये वाली लेंथ अब अगर ये लेंथ आपको चाहिए ये लेंथ अगर आपको सॉरी चाहिए तो इसके लिए आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बी के साथ साथ में दूसरा कौन सा कौन सी साइड आप सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा लेंगे बी लेंगे क्योंकि एट मीटर दिया गया है तो आप देख देखिए बेस है और ये हाइपोटेनस है तो बेस और हाइपोटेनस में कौन सा टनोमेट्रिक रेशियो बनता है तो बनता है बेस अपान हाईपोटनेस क्या होता है कॉस थीटा तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई किया कॉस थीटा इक्वल टू बी अपान एच ध्यान से देखिए कॉस थीटा इक्वल टू बी अपान एच फिर थीटा की वैल्यू थर्टी डिग्री ही रहेगी और बेस आपका हो गया सी डी और हाई हो गया बी डी तो ध्यान ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है थोड़ा सा अगर हाईलाइट करेंगे तो डायग्राम नहीं दिखेगा अगर बड़ा करूँगा तो तो ये देखिए कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू सी डी की वैल्यू एट एट यहाँ लिख दिया और बी डी आपको फाइंड करना है तो इसलिए बी डी को रहने दिया अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी सिक्सटीन एट टू या सिक्सटीन बाई रूट थ्री ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको आ गई बी डी इक्वल टू सिक्सटीन बाई रूट थ्री और बी सी की वैल्यू पहले से पता थी एट बाई रूट थ्री अब ध्यान से देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम फिर से नीचे करता हूँ और बड़ा करता हूँ अगर आपको पूरी ये जो हमने डॉटेड दिखाया है ये डॉटेड लाइन ये पेड़ टूटा हुआ और ये लटका हुआ दोनों बराबर ही यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा कम ज़्यादा दिख रहा है लेकिन ये टूटा वही लटका हुआ यहाँ पर ग्राउंड पे जो टच कर रहा है इसलिए बी डी के बराबर आपका ए बी हो जाएगा तो ए बी और बी सी को अगर ज्वाइन करेंगे तो पूरे पेड़ की हाइट आ जाएगी मतलब बी सी और बी डी को ज्वाइन कर देंगे तो पूरे पेड़ की हाइट हमको मिल जाएगी तो आगे हमने यही किया है देखिएगा आगे हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू बी सी प्लस बी डी बी सी और बी डी जो लटक गया है जो पहले से खड़ा था टूटा हुआ पोर्शन है तो दोनों को हमने तो बी सी की वैल्यू हमने निकाल मैम हम लोग निकाल चुके हैं बी सी इक्वल टू आ, एट बाई रूट थ्री और सी डी इक्वल टू सॉरी बी डी इक्वल टू सिक्सटीन बाई रूट थ्री तो दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो देखिए आ जाएगा एलसीएम सी एम थ्री ले लेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी फोर बाई रोट थ्री ये वैल्यू आ जाएगी अब इसको रेशसलाइज कर देते हैं रेशनलाइज़ करने के लिए रोट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अभी हो जाएगा ट्वेंटी फोर रोट थ्री बाई थ्री हो जाएगा और इसको जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एट रूट थ्री मीटर तो हाइट ऑफ द ट्री कितना मिला एट रूड थ्री मीटर मिला तो इस तरीके से चिल्ड्रेन आप इसको सॉल्व कर सकते हो ये पूरा सोलूसन है ओके थैंक यू